मेरा साथ बस्ती वाले सब देना मेरे को। नहीं खाला ऐसे आप जो बात बोल रहे हैं ये तो हमारे पास तारीख में नज़ीर भी है, इससे पहले भी दो तीन हादसे हुए तो कुछ बस्ती के लोगों को जो है ना बायकॉट किया गया, निकाला गया। बच्ची की जो शादी है वो बच्ची नहीं करती। मेरी बहन को बहुत बेरहमी से मारे वो लोग, पूरी प्लानिंग के साथ मारे। मेरे को भी, मेरी भी अब शादी है, मेरे को भी मेरी शादी से डर लगा। मेरी बहन को इंसाफ होना और वो लोग बस्ती में नहीं रहना। सब आप लोग हम लोग का साथ दियो, इंसाफ दिलाओ हम लोग को। इंशाल्लाह साथ देंगे भाई, आप बस्ती के हैं, आप हम लोग के भाई बहन हैं, प्लीज हमारा साथ दियो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कोई एमपी एमएलए या किसी कमिश्नर या एसएचओ की या किसी बड़े बड़े आदमी की अगर बेटी होती तो फातिमा सादी के साथ ये ऐसा मामला नहीं होता, जो हैवानियत और दरिंदगी का बेबाक मुजाहरा रहा। और इस मामले में 40 दिन हो गए, 40वां हो गया चहलम होने के बाद भी आज ये आलम है कि मायूस हैं उनके घर वाले और औरतें बाहर निकलकर इस तहरीक को, इस काम को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए। उनकी जानिब से उन्होंने हमको शर्म दिलाई इस बात की, इस बात पर कि क्या हमारे कौम की हमीयत, हमारे कौम की मर्दानगी, हमारे कौम की हकगोई ख़त्म हो गई। बस्ती बारकस की कौम हकगोई के लिए और इंसाफ के लिए जानी जाती है। अगर ये चीज़ अगर रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएंगी तो माशरे में सिर्फ जिंदा लाशें बच जाएंगी। मेरी आप सब लोगों से भी अदबन गुजारिश है कि अदलिया से, अदलिया पे पूरा यकीन रखें, साथ ही साथ वहाँ तक पहुँचने के पूरे रास्ते तैयार करें। पुलिस डिपार्टमेंट, ज़रूरी नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो है ना चंद एक लोग खराब होने से डिपार्टमेंट खराब हो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के वो अहदेदार जो जिम्मेदार हैं और जो आपके लिए, आपके इंसाफ के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ तक आपको हमको पहुँचना होगा। पूरे वाकयात की सच्चाई रखनी होगी तभी यह मामला होगा। लेकिन आखिर में फिर एक बार यही कहूँगा मैं कि मौजूदा वक्त में जो हालात हो रहे हैं सारी दुनिया में या सारे मुल्क में, हैदराबाद में, इनमें अगर हमारे माशरे के जिम्मेदार लोगों को अगर उनकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो वो अपने अपने ओहदों से हटें, अपना मुंह वहाँ पर, अपना चेहरा ना दिखाएं, ताकि वो लोग जो उस काम को कर सकते हैं उनको करने का मौका दें, क्योंकि उन लोगों के खामोश होने की वजह से ऐसे हादसात हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। वेलफेयर सोसाइटीज आपका साथ नहीं दे रहे, कोई भी, कोई भी आए अब तक हमारे, इनकी आवाज से इंशाल्लाह उठेंगे, इनकी आवाज से उठेंगे, नहीं आ रहे। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, लोग हमारे ताल्लुक से भी कुछ बातें अहल फैल बोलते हैं, गौरक्षा दल सिर्फ ये करती है जानवर के लिए। देखिए, इंसान अशरफुल मखलूकात है। हमारा अरब गौरक्षा दल का हमारे ख्याम का मकसद भी ये नहीं था कि हम जो है ना सिर्फ जानवरों की तहफ़ की बात करें। हम फितने और फिसाद से जो तो नफरत करते, तो ये भी बहुत बड़ा फितना है। अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से बढ़के है। तो ये ऐसी चीज़ हुई, एक ऐसा जो है ना फितना फैलाया गया जिससे कि कौम की बच्चियों का दिल में डर है शादियों के मामले में। इनके जबानों से ये बात आ रही है कि जो है ना नहीं हम शादी नहीं करते क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा आलम हो जाएगा। कौन है इसके जिम्मेदार? क्या हमारे उलमाए कराम जो ऐसी चीज़ों में खामोश रहेंगे? क्या हमारे मस्जिदों के मीनार और मेंबर सिर्फ और सिर्फ खाली मुजयन करके जो है ना उसको सजा के खाली वहाँ पर मीठी मीठी बातें करने के लिए है? क्या हमारे कौम के खाली लीडरान खाली फितना और फसाद की बातें या बीजेपी आरएसएस या देशद्रोही देशप्रेमी की बातें करेंगे खाली? क्या हमारे लीडरों को जरूरत नहीं थी कि हमारे, हमारी कौम की बेटी फातिमा सादी के मरहूमी के उनके घर आकर के उनको पुरसा देते? ऐसी कैसी याददाश्त कमजोर है उनकी? इंशाल्लाह इस चीज के बाद, इस पहल के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह हर वो तबके का आदमी जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो, एमआईएम हो, दूसरी दीगर पार्टियां हो, वो सब इंशाल्लाह जो है ना इसके लिए वो करेंगे। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि दीगर लीडरान भी है उनसे भी जरा पूछें, उनसे भी उनके ख्याल का।